Let me tell you one thing. The votes are in the boxes. On the 8th, you will know exactly what is in, what is out. Who has got the majority, who has not got the majority. So let's wait till the 8th. And what? I don't believe in exit polls. At all? At all. I've never believed in them and I'll never believe in them. Because they have fallen in the Lok Sabha election. Speculation. And I don't agree with speculation. Let's let the polls... We'll know who stands where. Inshallah. Look here. We are jumping the gun. Let's first see the results. Then they will sit down. Then they will decide who's going to be the CM, who's not going to be the CM. Is it on a merit base or will there be any formula for the CM candidate? I don't know. You have to wait for it. We all have to wait. But you are very confident to form a government here with full majority? I think, let me tell you one thing. Yeah. Even if you have full majority, you cannot say who is going to be what is going to happen. I'm going to wait till the boxes are all open, the votes are counted, and we know where anybody stands. Sir, ek sawal ye bhi hai, sir, jis tarah se humne dekha hai overall countries mein, agar fracture mandate aata hai, to kahin na kahin BJP sarkar form kar leti. Humne 2017 mein Goa mein bhi dekha tha. Yahan aapko kya lagta hai? Main aapko bataunga. Ji. हम लोग बीजेपी के सामने जा ही नहीं सकते. यहाँ जो वोट पड़ा है हमें, वो बीजेपी के ख़िलाफ़ पड़ा है. उनने जो मुसलमानों पे तकलीफ़ें दी हैं, उन्हें बुलडोज़र चलाए हैं, उनके घर गिराए हैं, उनके दुकानें गिराई हैं, उनके मस्जिदें गिराई हैं, स्कूल गिराए हैं, क्या आप समझते हैं हम उनके साथ जाएंगे? कितने हैं, कितनों को इन्होंने मैंडेट दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? एक मुसलमान को नहीं दिया, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है. तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए आप किस हद तक भी जा सकते हैं, अगर जहां तक एज फार एज फॉर्मेशन फॉर्मेशन इज कंसर्न? मैं समझता हूं हमारे लोग उनको वोट नहीं देंगे. ओके. और तो उनका वो समझना कि वो हुकूमत बनाएंगे. दे लिव इन कुकूज वर्ल्ड. और जिस तरह से रशीद इंजीनियर का जो एक्सटेंड किया गया है, वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको? मुझे कोई फैक्टर नहीं दिखता. जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा ज़रूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर. ओके. हरियाणा में भी चुनाव चल रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? वहाँ बताया जा रहा है कांग्रेस जीत जाएगी, बहुमत से जीतेगी. व्हाट मेड यू से दैट? आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन व्हाट पीपल से और व्हाट दे हैव सफर्ड फ्रॉम देम. और जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेके आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि कहीं ना कहीं जो रुझान है आपकी तरफ आ सकते हैं? मैं किसी रुझान के बारे में बात नहीं करूँगा. मैं 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे उस वक्त बताऊँगा. पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन. वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा. चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में. इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट. तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा. हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू. फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ.